एक और सवाल जो रिपीटेटिव है, रिपीटेशन हो रही है सवाल आपकी, कि एक पुलिस ऑफिसर या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का कोई भी ऑफिशियल अगर अपने पावर की मिसयूज़ करते हुए बेगुनाह और मासूम लोगों को गैरजरूरी तौर पे, इलीगली गैरकानूनी तौर पे तंग करे, तो उसके खिलाफ कोई कानून मौजूद है? अगर है तो कौन सा है और उसके तहत क्या कार्रवाई हो सकती है? तो दोस्तों इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियोस अवेलेबल है मेरे इस फेसबुक पेज एडवोकेट ऑनलाइन पे भी और यूट्यूब चैनल वसीम अली एडवोकेट पे भी। इसमें सिंपली इसमें दो तीन कवानीन मौजूद हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिशियल अगर अपने पावर्स को मिसयूज़ करते हुए लोगों को गैर ज़रूरी और गैर कानूनी तौर पर तंग करे तो उसके खिलाफ काफ़ी कवानीन है, जिसमें से एक दो मैं बात कर लेता हूँ। एक सेक्शन 156 है पुलिस ऑर्डर 2002 का, जिसके तहत ऐसे पुलिस ऑफिसर के साथ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और दूसरा सेक्शन है 220 PPC पाकिस्तान पिनल कोड ताजीदार पाकिस्तान। इन कवानीन के तहत ऐसे पुलिस ऑफिसर या ऐसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है जो अपने पावर की मिसयूज़ करते हुए, अपनी अथॉरिटी की, अपनी वर्दी की मिसयूज़ करते हुए लोगों को तंग करें, ब्लैकमेल करें, हरास करें किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और 5 साल तक सज़ा भी हो सकती है अगर जुर्म साबित हो जाए तो। ये इसका एक मुख्तसर सा जवाब था।